गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ट्रिगोनोमेट्री बिल्कुल खत्म होने पा चुका है। मैंने पहले बताया होगा कि ट्रिगोनोमेट्री मैं 3 लेवल में पढ़ाऊंगा। लेवल वन अभी मैंने पढ़ा दिया, काफी लंबा पढ़ाया। फिर बीच में मैं लेवल टू पढ़ाऊंगा और फिर 12th में लेवल 3 पढ़ाऊंगा। 3 लेवल में ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाऊंगा ताकि एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो और ट्रिगोनोमेट्री आपको समझ में आए, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री मैथमेटिक्स का ब्लड होता है। अगर ट्रिगोनोमेट्री नहीं आया तो कुछ भी नहीं आएगा, इसलिए काफी लंबा मैंने पढ़ाया है। तो आज आइए बच्चों, हम लोग सीखते हैं ये फार्मूला। ये 4 फार्मूले हैं जिसका डिस्कशन मैंने अभी तक नहीं किया। उसके ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है आपके बुक में। मैं पहले उसको डिस्कस करने से पहले फार्मूला याद करने का टेक्निक बताता हूँ। क्या लिखना है, ए बी और ए प्लस बी ए माइनस बी लिख देना है। लाइन खींच दिया, ऐसे रखना है। एस सी सी एस, एस सी और सी एस, एस सी और टू 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 सब में आने वाला है। एस सी और सी एस, और दोनों में सी सी और दोनों में एस एस। इसका फुल फॉर्म क्या होगा पता है, 2 sin A dot cos B इक्वल्स टू sin A plus B प्लस sin A minus B। इसका फुल फॉर्म होगा। इसका क्या फुल फॉर्म होगा, 2 cos A sin B इक्वल्स टू sin A plus B माइनस sin A minus B। कैसे लिखना, कैसे आपको ये लिखना देख लो। एस सी सी एस और सी सी और एस एस, एस सी और सी एस, दोनों सी और दोनों एस। कैसे याद करता है, एस सी तो सी एस, ठीक है, एस सी और सी एस, और फिर दोनों सी और दोनों एस। ऊपर वाले में प्लस माइनस, प्लस ऐसे कर देना, प्लस माइनस प्लस माइनस, और यहाँ ए प्लस बी लिख देना। तो 3 खाने में ए प्लस बी इसमें कंटिन्यू सेट होगा, इसमें ए माइनस बी सेट होगा। यानी इसका फुल फॉर्म हो गया sin A cos B बराबर sin A plus B प्लस sin A minus B। इसका क्या फुल फॉर्म होगा, 2 cos A into sin B इक्वल टू sin A plus B माइनस sin A minus B। इसका क्या फुल फॉर्म होगा, 2 cos A into cos B इक्वल टू cos A plus B प्लस cos A minus B। इसका क्या फुल फॉर्म होगा, 2 sin A into sin B इक्वल टू cos, यहां मैंने यहां नीचे लिख दिया A minus B माइनस cos A plus B। इससे ये जो थर्ड वाला है, ये फोर्थ वाला, ये सबसे, ये तीनों से डिफरेंट है, इसलिए अलग से मैंने लिख दिया। इसमें इसको यहाँ ला देना, इसको यहाँ ला देना है। अब मैंने इसको क्या फुल फॉर्म होगा जो मैंने बोला है वो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहाँ मैंने लिख भी दिया ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि क्या वे सर ने बोला। ये याद करने का टेक्निक है, यहाँ पे इस टेक्निक से हम याद कर सकते हैं। एस प्लस एस एस माइनस एस, सी प्लस सी सी माइनस सी। देखो, एस प्लस एस एस माइनस एस, सी प्लस सी सी माइनस सी। खाली लास्ट वाले में क्या कर देना, ए माइनस बी उठा करके यहाँ ले देना, उल्टा कर देना, क्रॉस में ला देना। और इसका फुल फॉर्म, इसका क्या फुल फॉर्म होगा, यहाँ पे मैं लिख दिया है, ये अलग फॉर्मूला है। अब आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के ऊपर, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। आपके बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, ये है क्वेश्चन की प्रूफ दैट। ये पीज, ये कहां पे दिया हुआ है, तो पेज 79 एग्जांपल नंबर 26 में क्वेश्चन दिया हुआ है। आपके जो अनसॉल्व क्वेश्चन है उसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैंने, मेरे को लगा ये कॉन्सेप्ट छूट रहा है तो मैंने बता दिया। एक एक कॉन्सेप्ट ध्यान करके बता रहा हूं। ये हमारा है प्रूफ दैट दिस वन माइनस दिस वन इक्वल टू दिस, यानी 2 cos इतना 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 माइनस cos 3x इंटू cos 9x/2 इक्वल टू लाना क्या है, sin 5x डॉट sin 5x/2, ऐसा लाना है। तो मैं इस यहाँ पर LHS को डील करता हूँ। LHS को मैंने पूरा पूरा कॉपी कर दिया, देख लो। ये मैं क्या कर रहा हूँ, प्रूफ। अब देखो CC, यहाँ भी CC, तो CC यानी ये फॉर्मूला लगेगा, ये वाला थर्ड वाला फॉर्मूला लगेगा, CC वाला फॉर्मूला लगेगा। आधा पता चल गया, मैंने लिख दिया 2CC बराबर, 2CC बराबर C प्लस C, ये फॉर्मूला लगेगा, मैंने लिख दिया है। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है नहीं, तो मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। दोनों में 2 आ गया और दोनों से 2 से डिवाइड हो गया, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, मैंने हार्ड कर दिया, बोल्ड कर दिया, देख लो यहाँ पर। अब इससे क्या होगा, इसमें 2CC लग जाएगा, इसमें भी 2CC लग जाएगा। तो चलो लगाते हैं। 2CC का मतलब क्या था, cos A plus B प्लस cos A minus B, यहाँ भी लिखा हुआ है। मैंने देखो 2CC का फुल फॉर्म यहाँ लिखा हुआ है, देख लो यहाँ पर 2 cos A into cos B बराबर cos A plus B प्लस cos A minus B। तो यहाँ क्या कर दिया मैंने, cos A plus B प्लस प्लस ये वाला cos A minus B यहाँ कर दिया, ये वाला माइनस यहाँ पर ब्रैकेट लगाया, और फिर 2CC लग रहा है, तो cos A plus B ये वाला
प्लस कॉस ए माइनस बी, ए माइनस बी। अब यहाँ पे टू टू जार फोर प्लस वन फाइव बाई टू, तो कॉस फाइव बाई टू। टू टू जार फोर माइनस वन यानी थ्री एक्स बाई टू, थ्री एक्स बाई टू। थ्री टू जार सिक्स और नाइन फिफ्टीन एक्स बाई टू। टू थ्री जार सिक्स माइनस नाइन, तो सिक्स में से नाइन जाएगा तो माइनस थ्री एक्स बाई टू। ये तो आसान है, आप ये कर सकते हो, ये सिंपल काम है, ये बड़ी बात है नहीं। अब यहाँ तो इसको कॉपी किया, इसको कॉपी किया, इसको कॉपी किया, और यहाँ पे देखने वाली बात है कॉस माइनस को खा जाता है, मैंने पहले बताया हुआ है कॉस माइनस को खा जाता है, तो ये कॉस जिस माइनस को खा जाएगा यानी खाली बचेगा ये माइनस कॉपी, कॉस थ्री एक्स बाई टू बचेगा। जैसे ही हम लिखते हैं कि ये और ये फटाक से कैंसिल कट जाता है, कट गया बहुत अच्छी बात है। तो अब मैं जो बच गया उसको कॉपी कर देता हूँ, हाफ कॉस फाइव एक्स बाई टू ये माइनस, और ये मैंने कॉपी कर दिया। अब क्या करेंगे, कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या है, माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू, साइन सी माइनस डी बाई टू। सब फॉर्मूला मैंने लिख दिया पहले से, आपको याद आता रहे। तो यहाँ पे चालू करते हैं, माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू। अब इसके पास खुद का टू था तो वो वाला टू और फॉर्मूला वाला टू यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे सी माइनस जो सी माइनस डी बाई टू, ये टू टू दोनों के पास था तो वो वाला टू लिख दिया, फॉर्मूला वाला टू यहाँ पर लिख दिया। तो फायदे की क्या बात हो गई, वन बाई टू कॉपी हो गया, ये माइनस माइनस टू साइन और पंद्रह पाँच बीस, तो बीस और टू टू जार फोर्थ यानी फोर्थ, इसको कैंसिल कर दिया, फोर फाइव जार कैंसिल कर दिया। फिर साइन पंद्रह पाँच में से पंद्रह जाएगा तो माइनस दस और टू टू जार फोर्थ, तो मैंने इसको कैंसिल कर दिया, टू फाइव जार। अब अच्छी बात क्या, ये से टू से ये टू कैंसिल हो जाता है, तो क्या बच गया माइनस, यहाँ पर लिख दिया माइनस, यहाँ बच गया साइन फाइव एक्स, यहाँ लिख दिया साइन फाइव एक्स, यहाँ बच गया माइनस साइन फाइव एक्स बाई टू, तो माइनस साइन माइनस फाइव एक्स बाई टू। हमें मालूम है कि साइन माइनस को नहीं खाता है, साइन माइनस को नहीं खाता है, ऐसा होता है, ये बाहर आ जाता है माइनस। तो इस माइनस को बाहर करोगे, जैसे इस माइनस को बाहर करोगे, इस माइनस को इसके साथ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसलिए प्लस के लिए यहाँ मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, कॉपी हो जाएगा साइन फाइव एक्स और डॉट साइन फाइव एक्स बाई टू, ये हमारा आर एच एस होना चाहिए। देखो आर एच एस बिल्कुल यहाँ से मैच हो चुका है, तो इस तरह से हमारा आर एच एस आ गया। ये क्वेश्चन जो बुक में दिया हुआ है, इसमें ये सॉल्व में दिया हुआ है, अनसॉल्व में ऐसा क्वेश्चन नहीं है, इस कॉन्सेप्ट आधारित नहीं है, बट ट्वेल्थ में जाओगे इंटीग्रेशन में, जब ट्वेल्थ में जब जाओगे इंटीग्रेशन करने के लिए, तो वहां पर ये फॉर्मूला बहुत यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है। तो मैंने इसको स्पेशलाइज इसके ऊपर एक लेक्चर पूरा इसे समझा करके बताया, ये शॉर्ट फॉर्म में है फॉर्मूला को याद करने का तरीका, इसका लॉन्ग फॉर्म है, किताब में अलग तरीके दिया रहता है, इस तरह से याद करवाते हैं सर, और ऐसा बता देने से ज्यादा जल्दी याद होता है। तो चल इसके साथ ही इस क्वेश्चन को मिटाता हूं मैं, और रिमेनिंग दो क्वेश्चन करते हैं। मैं आज यूं बोलूं कि हमारा ये पूरा का पूरा ट्रिगोनोमेट्री आज खत्म हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा ट्रिगोनोमेट्री मैंने पढ़ा दिया है, आप बुक ओपन करके देखना तो मालूम पड़ेगा, जो अनसॉल्व क्वेश्चन में भी है वो भी क्वेश्चन करवाया है, जो सॉल्व है उसमें भी जो इम्पोर्टेंट है वो मैं करवा रहा हूँ, खुद से ही करा देता हूँ। आपने सर देखा होगा बुक खोला होगा, जिस बच्चे ने उसको पता चलता होगा, और जिसने बुक खोला ही नहीं। और एक चीज बताता हूँ, एक वीडियो तीन बार देखना है आपको, फिर नोटबुक बनाना है, सारे क्वेश्चन जितना पढ़ाता हूँ सबका फिर बनाना है, एक वीडियो को तीन बार देखना है, तो आपको याद रहेगा, कॉन्सेप्ट याद रहेगा। अभी आते हैं एक और क्वेश्चन के ऊपर, जो पेज नंबर 71 के ऊपर है, पेज नंबर 71 के ऊपर क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर है 12, कि प्रूव फाइंड द वैल्यू, प्रूव नहीं है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 13 पाई बाई 12, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है हमें, 13 पाई बाई 12 को फाइंड करो। तो यहां पे मैं सॉल्यूशन करता हूं, 10 पाई प्लस पाई बाई 12 अगर लिखे, 12 बन जाए 12 प्लस 1, तो 13 पाई बाई 12। अब पाई प्लस है, यहाँ पाई है तो नो चेंज होगा, यहाँ पाई है तो नो चेंज होगा, तो 10 पाई बाई 12 हो जाएगा। अब देखो पाई प्लस है तो पाई यहाँ पर होता है और प्लस यहाँ पे, आफ्टर स्कूल देन कॉलेज, तो ये खुद 10 का ही घर है,
तो इसमें एच डी पॉजिटिव पॉजिटिव रह जाएगा, ठीक है कि नहीं। और यहाँ पे हमारा लिखा जाएगा पाई बाय ट्वेल्व का पाई बाय ट्वेल्व रह जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है तो टेन पाई बाय फोर माइनस पाई बाय सिक्स लिखे, इसको सॉल्व करता रफ में देखो, सॉल्व कर देखो तो हो जाएगा कितना, सिक्स एलसीएम हो जाएगा इसका ट्वेल्व, थ्री के टेबल में आएगा तो थ्री पाई माइनस टू पाई इक्वल्स टू पाई बाय ट्वेल्व। अब ये सोचोगे कि ये आपको कैसे मालूम पड़ा, यही लिख देंगे क्योंकि दोनों का वैल्यू पता है, पाई बाय फोर का मतलब पता है याद करो आप 45 डिग्री और पाई बाय सिक्स का मतलब आपको पता है 30 डिग्री। एक्चुअली और कुछ और नहीं बल्कि ये जो है 10-15 डिग्री का जो मैंने शुरू में सिखाया हुआ वैल्यू, याद करो 10-15 डिग्री का वैल्यू निकालना मैंने पहले सिखाया हुआ है। देखो यहाँ पर सॉल्व करोगे तो इस तरह से आएगा, देखो 45 मैंने जैसे तो इस तरह का वैल्यू निकाला हुआ है, मैंने सिखाया हुआ है, पर उसी क्वेश्चन को घुमा कर पूछा है यहाँ पर तो बच्चे कन्फ्यूज ना हो, इसलिए मैंने खुद से करके बता दिया। अब यहाँ पर याद करो टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो टेन ए माइनस टेन बी अपन में वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी, पाई बाय फोर टेन पाई बाय फोर का मतलब वन और इसका मतलब वन बाय रूट थ्री, तो रख दे वैल्यू वन माइनस वन बाय रूट हंड्रेड थ्री, वन प्लस वन बाय रूट हंड्रेड थ्री, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा रूट थ्री माइनस वन और यहाँ आ जाएगा रूट थ्री प्लस वन और रूट थ्री कट जाएगा, डेसिमलाइज कर दे रूट थ्री माइनस वन इसका उल्टा और रूट थ्री माइनस वन इसका उल्टा मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर क्या हो जाएगा रूट थ्री माइनस वन का होल स्क्वायर, अब नीचे क्या हो जाएगा थ्री माइनस वन, नीचे टू बच गया, अब इसको ओपन करो तो थ्री प्लस वन माइनस टू रूट थ्री अपॉन में टू, यहाँ से आ जाएगा फोर, फोर माइनस टू रूट थ्री, फोर माइनस टू रूट थ्री अपॉन में टू, टू टू कैंसिल कर दो तो टू माइनस रूट थ्री, इसका आंसर क्या बच जाएगा टू टू जार एक आठ टू जार ए वन जार, तो टू माइनस रूट थ्री इसका आंसर आएगा, टू माइनस रूट थ्री इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से हमारा ये आंसर सॉल्व होता है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है देख लो, इसको आप आराम से शांति से करना, बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है, खाली यहाँ पर दिमाग लगाना है, ऐसे लिख देना है यहाँ पे, अभी प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे इसको मिटाता हूँ, आप ट्राई करना, पेज नंबर 71 पे ही यहाँ पे और क्वेश्चन में कराने जा रहा हूँ। थोड़ा सा बच्चों का क्या डिफिकल्ट जैसा लगता है कि ये क्या है, तो मैं खुद ही कर दे रहा हूँ, तो ट्रिगोनोमेट्री पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा यहाँ पर। एमसीक्यू प्रैक्टिस थोड़ा कर सकते हो, अगले लेक्चर में एक लेक्चर और ले लूंगा मैं, उसमें एमसीक्यू का थोड़ा प्रैक्टिस करवा दूंगा तो हमारा और काम अच्छा हो जाएगा। अभी क्वेश्चन क्या है, एग्जांपल नंबर 13 है कि प्रूव डेट साइन एक्स प्लस वाई अपॉन में साइन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन में टेन एक्स माइनस टेन वाई, ये लाना है हमें। तो देखो इसको ओपन करें हम लोग, इससे यहां पे लाना, ये हमारा क्या हो गया LHS और ये हमारा क्या हो गया RHS, तो इसको LHS को डील करते हैं। फ्रॉम LHS तो देखो यहां पर ध्यान से देखो साइन एक्स प्लस वाई और यहां पे क्या है साइन एक्स माइनस वाई, अब ओपन साइन ए प्लस बी फॉर्मूला ओपन करो, साइन ए प्लस बी क्या फॉर्मूला था साइन ए कॉस बी प्लस में प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी फॉर्मूला साइन, सिर्फ यहाँ माइनस आ जाएगा, सिर्फ यहाँ माइनस आ जाएगा, बाकी कॉपी मार दो साइन एक्स ये कॉस वाई, ये होता था माइनस में माइनस और प्लस में प्लस में प्लस माइनस में माइनस कॉस एक्स साइन। अब हमें क्या लाना है यहाँ पर टेन एक्स लाना है, तो टेन एक्स प्लस टेन वाई, देखो इसमें टेन वाई यानी साइन एक्स नीचे कॉस वाई चाहिए तभी होगा यहाँ पे, यानी ये कट जाना चाहिए तो कॉस एक्स कट जाए ऐसा कुछ देखो। और एक चीज और देखो यहाँ पर एन बाई डी, एक चीज सिखाता हूँ कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो सिखा रहा हूँ, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो क्या होता है एन बाई डी रहेगा ना, तो क्या करना है एन प्लस डी एन माइनस डी, इसको क्या बोलते हैं सी एन डी रूल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बाय सी एंड डी रूल, सी एंड डी रूल मतलब क्या कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, उसको शॉर्ट फॉर्म लिख दिया सी एंड डी रूल। तो तुम क्या कर सकते हो ये पूरा पूरा समझ लो तुम्हारा सी है, ये समझ लो तुम्हारा डी है, तो क्या ला सकते हो तुम सी प्लस डी सी माइनस डी,
ट्राई कर लो एक बार, तो इससे भी हो जाएगा तुम्हारा, आसानी से आ सकता है। साइन एक्स प्लस इंटू है ना, इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई और प्लस डी, नीचे वाला प्लस कर देना है, नीचे वाले को प्लस कर दो तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। कॉम्पोनेंट डिविडेंड लगा रहे हैं बच्चे। अब क्या एन माइनस डी, एन का मतलब ऊपर वाला और डी का मतलब नीचे वाला, तो ऊपर वाला वो भी मार दो, तो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये तो हो गया ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस साइन एक्स कॉस वाई और प्लस कॉस एक्स साइन वाई। अब हमारे पास देखो कुछ कैंसिल होता है बच्चे, ये से ये कैंसिल हो जा रहा है और ये से ये कैंसिल हो जा रहा है, तो ध्यान से देखो ऊपर क्या बच रहा है हमारे पास, ध्यान से देखो तो ये और ये मैच हो रहा है, तो टू साइन एक्स कॉस वाई ऊपर, नीचे टू कॉस एक्स साइन वाई नीचे, टू से टू कट गया, इतना का मतलब क्या हो गया टेन एक्स, और इतना का मतलब हो जाएगा कॉट एक्स कॉट वाई, तो टेन एक्स इंटू कॉट वाई, इसको उल्टा लिखोगे तो नीचे टेन वाई आ जाएगा, देखो टेन वाई आ जाएगा, चलो अभी इसमें से आ जाएगा क्या था, टेन एक्स अब वन में टेन वाई आ गया। अब यहाँ पे एक बार और कॉम्पोनेंट डिविडेंड लगाओगे तो ये और ये मैच हो जाएगा, एक बार और कॉम्पोनेंट डिविडेंड लगाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये प्लस ये तो क्या हो जाएगा, टेन एक्स प्लस टेन वाई और टेन एक्स माइनस टेन वाई। देखो इसमें एक और मेथड है, उससे हम कर सकते थे, इसको मैंने इसलिए सिखाया यहाँ पर ताकि तुम एक तरह से कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का रूल सीख सको, ये कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का रूल सीख सको, इसलिए मैंने ये मेथड लगाया, अगर दूसरा मेथड भी हम लोग डिवाइड वाला कर सकते थे, बट इस बहाने क्या हो गया कि तुमको एक चीज जानकारी मिलेगी कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है, तो इस मेथड से भी हमने सॉल्व करके आपको बता दिया, ठीक है। इस बहाने आप क्या सीखा, आपने क्या सीखा कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन कर देता हूं, आप इसको पॉज करके देख लेना, आप लिख देना, रिपीट करोगे वीडियो चला करके वापिस आपको दिख जाएगा क्या लिखा हुआ है। अब एक वन मोर क्वेश्चन जो है बच्चे बार बार पूछते हैं, डाउट आता है उनको, पेपर में पूछा जाता है तो बच्चे घबरा जाते हैं, तो वो क्वेश्चन एक बार कर देता हूं तो फाइनली हमारा ये लेक्चर ओवर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट मैं ज्यादा ये प्रयास करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊं, कोई भी कॉन्सेप्ट छूटे नहीं, तो कॉन्सेप्ट को मैं लाता हूं बार बार, क्योंकि क्वेश्चन तो इनफाइनाइट है, बहुत सारे क्वेश्चन है मार्केट में, बुक में बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्ट लिमिटेड होते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग ज्यादा काम करते हैं कि कॉन्सेप्ट बच्चों को समझ में आए। जैसे कि क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है बच्चों से तो बच्चे नहीं पता कर पाते हैं, पेज नंबर 79 के ऊपर है क्वेश्चन, पेज नंबर 79 में क्वेश्चन है एग्जाम्पल 27, ये बच्चे डाउट के रूप में पूछते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 पाई बाय 8, इसको बच्चे पूछते हैं 10 पाई बाय 8 का वैल्यू बताओ। देखो सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं यहां पर, ध्यान से देखो, लेट कर लेता हूं x का वैल्यू पाई बाय 8 है, देखो पाई बाय 8 का वैल्यू मैं पता नहीं है, तो अब मैं क्या करता हूं, दो टू एक्स इधर टू एक्स, एक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इधर टू से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये कटेगा चार बारे में, तो 2x बराबर पाई बाय 4, हमें तो 10 पाई बाय 4 वैल्यू तो पता चल जाएगा, इसलिए मैंने ऐसा किया है। सोचो ऐसा कैसे कर दिया, जो गिवन है उसको मैंने x लेट कर लिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जान करके, क्यों, ताकि हमें पाई बाय 8 की वैल्यू नहीं मालूम है बट हमें पाई बाय 4 की वैल्यू मालूम है, तो जान करके ऐसा कर दिया। अब क्वेश्चन में 10 है तो टेकिंग 10 ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग 10 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ 10 ले लोगे तो क्या बचे हो जाएगा 10 2x, यहां हो जाएगा 10 पाई बाय 4। अब 10 2x का फॉर्मूला मैंने लिखाया हुआ है, फॉर्मूला याद करो क्या था, 2 10x अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला मैंने लिखाया हुआ है, ये फॉर्मूला नहीं याद है देख लो एक बार, ये फॉर्मूला होता है, और 10 पाई बाय 4 का मतलब 1, सबको पता है 10 45 डिग्री का मतलब 1। अब कर दे क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, 2 10x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, अब इस सब किधर ले आओ, वन साइड ले आओ, इस तरफ ले आओ, तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पर, तो 10 स्क्वायर एक्स प्लस 2 10x और माइनस 1 बराबर 0,
अभी एक्चुअली पता है ये ऐसा लिखा हुआ, ध्यान दो गौर से देखना, अगर तुम अगर सपोज करो कि एक्स की जगह पर एक्स लेट कर लो, सपोज करो एक्स की जगह टी मान लो, इसको सिर्फ टी समझो तो क्या क्या लिखा पता है, टी स्क्वायर प्लस टू टी माइनस वन ऐसा लिखा हुआ। अगर इसको तुम टी समझो, टेन एस को अगर तुम समझ लो कि टी लिखा हुआ है बाय दी वे, ऐसा लिखा हुआ है। इसको सॉल्व कर दो क्वाड्रेटिक मेथड से, याद करो टेंथ क्लास में पढ़ाया था सर ने, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में टू ए, धराचार विधि, स्त्री धराचार विधि, टेंथ क्लास में सर ने पढ़ाया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वो लगा दो यहाँ पर। तो यहाँ पे तुम्हारा ए का रोल वन कर रहा है, बी का रोल टू कर रहा है, सी का रोल माइनस वन कर रहा है, ए वन यहाँ पे टू और माइनस वन, तो रख दो वैल्यू, यहाँ पे रख दो वैल्यू, एक्स इक्वल टू क्या होगा माइनस बी यानी माइनस टू प्लस माइनस बी स्क्वायर इंटू टू जर फोर माइनस फोर, ए कितना है वन और सी है माइनस वन, जिसको प्लस कर देगा और टू ए ए ए क्या है वन, तो कितना हो जाएगा एक्स बराबर माइनस टू प्लस माइनस चार और चार आठ रूट अंडर एट अपॉन में टू, यानी कि एक्स इक्वल टू माइनस टू प्लस माइनस टू रूट टू, एट को हम लोग रूट अंडर एट को क्या लिखते हैं टू रूट टू अपॉन में टू, ये टू टू सब कैंसिल कर देगा, एक्स का वैल्यू क्या आएगा माइनस वन प्लस माइनस रूट अंडर टू। तो देखो इसमें दो आंसर है, माइनस में एक बार माइनस वन रूट टू, एक माइनस वन प्लस रूट टू, तो हमें क्या है टेन, देखो यहाँ पर जो है ना वैल्यू टेन ट्वेंटी टू डिग्री के आसपास, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसका आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, तो हमें क्या लेना चाहिए रूट टू माइनस वन, एक्स का वैल्यू हो जाएगा रूट टू माइनस वन, लेने में ज्यादा फायदा रहेगा, ये एक दोनों नेगेटिव है तो नहीं ले सकते, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा नहीं, पॉजिटिव होगा आंसर, इसलिए ले लिया यहाँ पर रूट टू, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव उठा लिया, एक्स का मतलब यहाँ पर क्या होगा टेन एक्स का मतलब हो जाएगा रूट टू माइनस वन, तो इसका आंसर आएगा रूट टू माइनस वन, देयरफॉर टेन पाई बाय एट इक्वल्स टू रूट टू माइनस वन, हम इसको आंसर के रूप में ले सकते हैं। बहुत आसान था इसको समझना, खाली यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला का यूज हुआ है, तो उस तरह से हम इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो चलो फिर इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा।